एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है कस्टर्ड कुकीज। क्या आप जानते हैं परफेक्ट कस्टर्ड कुकीज कैसे बनती है? तो चलिए डिटेल में मैं आपको रेसिपी सिखाती हूँ। कस्टर्ड कुकीज़ के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बटर। बटर आपको रूम टेम्परेचर का इस्तेमाल करना है। पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है, घर की पीसी हुई शक्कर, मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर एंड कस्टर्ड पाउडर। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम डालेंगे बटर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। दोनों को अच्छे से विस्क करके मिक्स कर लेंगे एक बार। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो हैंड विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटी सी क्वांटिटी में बना रही हूँ तो हैंड विस्क की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। धीरे धीरे करके शक्कर सारी घुल जाएगी बटर के साथ, अब देख रहे हो। तो ये देखिए बटर शक्कर के साथ घुल गई है और धीरे 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 ऊपर से बटर नीचे भी आना स्टार्ट हो गया है। क्रीमिंग मेथड बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, कस्टर्ड पाउडर, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका बाइंडिंग अच्छे से नहीं आता है तो आप इसके अंदर मिल्क डाल के बाइंड कर सकते हो। सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह रहती है तो थोड़ा सा बटर जल्दी से स्टिफ हो जाता है, तो मिल्क डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेते हैं हम। ये देखिए मुझे मिल्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और इस तरह से मेरा डो बन के रेडी है। इसके हम कुकीज़ बना लेते हैं। एक ट्रे लेंगे, उसके ऊपर मैंने इस तरह से पार्चमेंट पेपर रखा है। 1 TSP वाला स्पून लेंगे, उसी से हमारे कुकीज़ जो है मिनी कुकीज़ सारे इक्वल साइज़ के बनेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने 1 TSP से लिया है और बाकी के भी मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। सारे कुकीज़ बनके रेडी है। अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। प्रीहीटेड हवन में हमें इसे 170 to 180 डिग्री पे 8 से 10 मिनट के लिए बेक करना है। तो बेक होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुकीज़ हमारी बेक होके रेडी है। जैसे ही कुकीज़ बेक हो जाएगी आपको उसे तुरंत वायर रैक पे शिफ्ट करना है और इससे हटा के हम इसे वायर रैक पे करेंगे, अदरवाइज़ ये सॉगी हो जाएगी। ठीक है, तो 30 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो 30 मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि कुकी हमारी कितनी क्रंची और अच्छी बनकर रेडी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तभी तो मुझे पता चलेगा कि रेसिपी आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही।
आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट फ्री सीरीज आपको कौन सी देखनी है। पीडीएफ के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए 8980728096। थोड़े बहुत छोटे छोटे रील्स अगर आपको देखने हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ध्रुतिस किचन 12। बाय एवरीवन।